उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर के तत्वावधान में 3 दिवसीय चल रहे प्रदेश स्तरीय महिला हैंडबॉल बास्केटबॉल अंतर मंडलीय प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला एवं समापन तथा पुरस्कार वितरण का समारोह संपन्न हुआ, जिसमें महिला हैंडबॉल में अयोध्या ने बस्ती को तथा बास्केटबॉल में गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को पराजित करके चैंपियन बनी, जिसकी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी रही, जिनको क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया कि स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खेलने से शरीर स्ट्रांग बनता है। उन्होंने कहा कि कोई भी खेल खेलते समय खिलाड़ी को हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि खेल को ईमानदारी से खेलना चाहिए। बास्केटबॉल और हैंडबॉल से बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है। वहीं क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि 3 दिवसीय प्रदेशीय हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 मंजिलों से 432 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें हैंडबॉल में अयोध्या ने बस्ती मंडल को पराजित किया तथा बास्केटबॉल में गोरखपुर ने वाराणसी मंडल को पराजित करके चैंपियन बना। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मनीष सिंह, रंजना गुप्ता, प्रेमनाथ शुक्ला, वेद प्रकाश दुबे, मिथिलेश शर्मा सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, माननीय श्रीमती अंजू चौधरी जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। को जो समय उन्होंने दिया था सही समय से आई है, मैं उनको नमन करता हूँ। और करते हैं और ये उसी तरीके का खेल कर रहे हैं ना हमारे यार। राय साहब, बैजनाथ मिश्रा जी, इस बात को आपने बिल्कुल साबित करा है, हम सफलतापूर्वक संपन्न कराने में कराई है। मैं उनके खिलाड़ी हैंडबॉल श्री संजय राय जी, आप लोग इस साइड में खाली है, दोनों विक्ट्री बनाओ। निरैया रानी, अर्चना सिंह चौहान, उर्षिता त्रिपाठी, माधवी गुप्ता, खेल करें। रनर्स और विनर्स ट्रॉफी
बोलो कब के जर्सी की खिलाड़ी खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में बास्केटबॉल और हैंडबॉल संघ के समन्वय से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिला खेल समारोह हैंडबॉल बास्केटबॉल का है। इसमें 18 मंडलों से 432 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है और ये 3 दिवस का टूर्नामेंट है। 18 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ था और आज इसका समापन है। समापन के मध्य बास्केटबॉल के अंदर गोरखपुर और वाराणसी मंडल के मध्य मैच खेला जा रहा है। अभी गोरखपुर लीड कर रहा है। इसके साथ ही साथ बस्ती और अयोध्या मंडल हैंडबॉल के अंदर फाइनल में खेल रहे हैं। मैच लगभग समापन की ओर है। इस प्रकार से एक बहुत ही 3 दिन के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण खेलों का यहाँ मिला खिलाड़ियों को। बाहर से सभी मंडलों से खिलाड़ी आए थे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया और एक खेल भावना के साथ सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है। सभी खिलाड़ियों के लिए जो विजेता उपविजेता खिलाड़ी हैं उनके लिए सबके लिए पुरस्कार हैं और जो ट्रॉफीज़ हैं विजेता उपविजेता खिलाड़ियों के लिए ट्रॉफीज़ हैं। और जो अभी हमारे मध्य आज की चीफ गेस्ट हैं श्रीमती अंजू चौधरी जी, उनके कर कमरों से द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में लड़कियों का हैंडबॉल और बास्केटबॉल इसका कंपटीशन हो रहा है और इसमें 18 प्रांतों से हमारी बच्चे आई हैं और आज फाइनल्स है। 2 टीम खेल रही है अभी और जल्द इसका समापन भी हो जाएगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों को इतना इनकरेज किया जा रहा है। ये मोटिवेशन करने का काम पेरेंट्स कर सकते हैं या तो जो कोई गेम्स वाले उनके घर में स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको स्ट्रॉन्ग करता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी इससे आता है। और इसमें हार जीत सोचना नहीं चाहिए, बस अपने खेल ईमानदारी से खेलना चाहिए। और ये जो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल हो या हैंडबॉल हो, इन सबों से बच्चों की हाइट बढ़ती है, इसलिए बचपन से ही इन लोगों को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी हेल्दी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लंबाई अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मेंटल रिलैक्सेशन होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के जो यहाँ आर्य हैदर साहब उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया है और साथ में हमारे मनीष सिंह जी हैं जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं और स्पोर्ट्स में विशेष रुचि देते हैं। हमारे साथ कर्नल साहब हैं, कर्नल KM सिंह साहब, साथ ही साथ हमारी मीडिया प्रभारी महानगर की रंजना गुप्ता भी हैं और प्रेम पराया जो कि सबके बहुत ही पहचाने और जाने माने यहाँ के खिलाड़ी रहे हैं, प्रेम शुक्ला वो भी यहाँ पर हैं। हम सब विटनेस कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फाइनल गेम चल रहा है और एंड होने वाला जल्द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा।